नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। जल त्रासदी भी नहीं डिगा पाई बिटिया के हौसले को, अकेले नाव खेर कर रोज जाती है स्कूल। संध्या निषाद, गोरखपुर। गोरखपुर में बाढ़ के प्रकोप के बीच एक बेटी के शिक्षा के जुनून का मामला सामने आया है। यहां बहरामपुर गांव के एक 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा के लिए नाव से स्कूल आ जा रही है। गोरखपुर की इस बिटिया के हौसले और जज्बे को देखकर के हर कोई हैरान है। बहरामपुर इलाके में इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। हाल ही में ये है कि कई परिवार यहां से सुरक्षित जगह पर पलायन भी कर चुके हैं। इसी बहरामपुर के रहने वाली दिलीप सहानी कारपेंटर का काम करते हैं। इनके 4 बच्चे हैं, जिसमें संध्या सहानी सबसे बड़ी बेटी है। संध्या साइंस साइट से गोरखपुर राजकीय एडी कन्या विद्यालय में 11वीं में पढ़ती है। संध्या का स्कूल पिछले 1 साल से कोरोना की वजह से बंद था, और पिछले महीने जब स्कूल कॉलेज खुले तो बाढ़ की विभीषिका ने इनके गांव को हर तरफ से घेर लिया। गांव की दूसरी बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, लेकिन संध्या की मन में पढ़ाई के प्रति जो जज्बा था, उसकी वजह से संध्या घर में बैठने के बजाय नाव से ही स्कूल आना जाना शुरू कर दी। संध्या रेलवे में नौकरी करना चाहती है। पूर्वा पोस्ट से बात करते हुए संध्या ने बताया कि उनका घर 15 दिन से पानी में डूबा हुआ है। वह लोग छत पर जिंदगी गुजार रहे हैं। स्मार्टफोन नहीं होने की वजह से घर से पढ़ पाना उनके बस की बात नहीं थी। स्कूल की दूसरी सहेलियों से पढ़ाई के बारे में हर रोज सुन करके संध्या ने फैसला लिया कि वह स्कूल जाएगी। फिर उसने अकेले नाव से स्कूल आना जाना शुरू कर दिया। संध्या का कहना है कि वह अपनी शिक्षा के जरिए अपने परिवार को मजबूत बनाना चाहती है। उसके समाज में लोग लड़कियों की शिक्षा को जरूरी नहीं मानते हैं, लेकिन तंगहाली में जीवन काटने के बावजूद उसके माता पिता उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, और उनके हौसले को देख कर ही उसने इस कठिन वक्त में भी अपनी पढ़ाई जारी रखी है। अपना सपना है कि अच्छी पढ़ाई कर वह रेलवे में नौकरी कर सके, जिससे परिवार की आर्थिक मुश्किलें खत्म हो सके। इसके साथ ही संध्या हवाई जहाज में भी घूमना चाहती है। वहीं संध्या के पिता दिलीप का कहना है कि बेटी रेलवे में नौकरी करना चाहती है, वह दिन रात पढ़ाई भी करती है। इधर बाढ़ की वजह से वह लोग बहुत परेशान हो गए हैं, घर का सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, दिन और रात वक्त गुजर रहे हैं। लेकिन बेटी का जज्बा देख करके उनको अपना सारा कष्ट अब कम लगने लगा है, और वह उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। गोरखपुर की इस बहादुर बेटी संध्या से मिलने आज निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद उनके घर पहुंचे। डॉक्टर संजय निषाद ने संध्या के हौसले की तारीफ की और उसके परिवार को हर तरह से मदद का भरोसा दिलाया। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि संध्या सहानी उनकी बिरादरी के लिए अब एक रोल मॉडल बन चुकी है, और संध्या जैसी दूसरी बेटियों के पढ़ाई के लिए वह जल्द ही हर जिले में निषादों के लिए एक अलग से विद्यालय खुलवाएंगे। संध्या को हॉस्टल में भर्ती कराने और बाद में नौकरी दिलवाने के साथ साथ उनके परिवार की हर जरूरत को पूरा कराएंगे। खबर जगत के लिए एलएन की रिपोर्ट। नाम है बेटा का? मेरा नाम है संध्या सहानी। संध्या जी, बताओ कि आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में मेरे 3 भाई हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, हम हैं। अच्छा, कैसे आप स्कूल आते, किस क्लास में पढ़ते हो पहले ये बताओ? मैं क्लास 11th में पढ़ती हूँ। तो कैसे आते हो, इसमें तो पूरा बाढ़ है। इसमें तो पूरा पानी भरा हुआ है, फिर भी मैं नाव से स्कूल आती हूँ। डर नहीं लगता नाव से? डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं बाढ़ मतलब कई सालों से देख रही हूँ, बचपन से ही बाढ़ देखते चली आ रही हूँ, इसलिए मुझे डर नहीं लगता है। अकेले आते हो आप नाव चलाकर? जब कोई रहता है तो मुझे लेकर आता है, जब नहीं कोई रहता है मैं खुद चलाकर लेकर चली आती हूँ। खुद चला के लेके आती हो, आपको डर नहीं लगता? नहीं। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको खुद नाव चला के आना पड़ता है, जाना पड़ता है? पढ़ाई तो बाद में भी बंद है, स्कूल बंद नहीं कर सकते? अब मैं अगर जो नाव चला कर जैसे कि स्कूल नहीं आती बाढ़ की वजह से, मैं सोचती कि बाढ़ है क्या स्कूल जाऊं, तो फिर मेरा पढ़ाई छूट जाता, मैं उसे कवर कैसे करती, इसलिए मैं नाव चला कर स्कूल आ रही हूँ। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी कारपेंटर का काम करते हैं। और आपके घर में और कौन कौन पढ़ता है? मेरे घर में एक मेरा छोटा सा भाई है, वो पढ़ता है, और मैं पढ़ती हूँ। अच्छा, ये बताओ कि आपको राहुल गांधी जी ने भी फ़ोन किया था? और श्री राहुल गांधी जी की बात मेरे पापा से हुई है, उन्होंने कुछ बोला है कि जैसे कि मैं जब गोरखपुर में आऊँगा तो मैं उस बच्चे से मिलने आऊँगा। कैसा लग रहा है सुनकर? सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वो मतलब इतना बड़े वो कांग्रेस के वो है नेता, तो वो आएंगे मिलने, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े नेता लोग, ऐसे लोग मेरे घर पे आएंगे, मुझसे मिलने आएंगे। अच्छा, क्या लगता है बाढ़ हमेशा आता है, तो क्या मांग करते हो आप सरकार से? बाढ़ तो हर साल आता है, हमेशा आता है बाढ़, में जब से मतलब देख रही हूँ तब से हर साल बाढ़ आता है। मैं ये कहना चाहती हूँ
श्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर बांध बना दिया जाए तो बाढ़ नहीं आएगी, बाढ़ नहीं आएगी और हम भी सही से रहेंगे, मेरे घर वाले भी बाढ़ से पीड़ित नहीं होंगे और मेरे पूरे गांव वाले भी। अच्छा, सोनू सूद जी भी फोन किए थे? सोनू सूद जी मतलब मेरे पापा से बात किए थे, मुझसे बात नहीं किए थे, जैसे उस टाइम मैं पापा घर पे नहीं थे तो उन्होंने भी कुछ कहा है कि उनकी मदद करेंगे। अच्छा, बोला पापा से? अच्छा लग रहा होगा, इतने बड़े बड़े लोग। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये सब सुनकर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। डॉक्टर साहब, आज राहुल गांधी जी ने बहरामपुर गांव को लेकर ट्वीट किया कि बच्ची स्कूल जा रही है नाव के माध्यम से, इसी के देखते हुए आपने भी उस गांव का दौरा किया, तो ऐसे में और पूरे गोरखपुर को इस वक्त बाढ़ पीड़ित घोषित किया जा चुका है, पूरे गोरखपुर में बाढ़ आ चुकी है, तो इस पर आपका क्या कहना है? 70 साल से हमारे समाज का दर्द है, जो आज बड़ा मन हमारा खिन्न है। बहुत नेता बनाया, बहुत वोट दिया सभी पार्टियों को और किसी ने इनकी सुध नहीं ली जो नदियों के किनारे रहने वाले। कभी ये नदियों के किनारे रहने वाले बहुत बड़े व्यापारी थे, देश को आज़ादी में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, सबकी सरकारें बनाने में भूमिका रही है, लेकिन इनको ही उपेक्षित रखा गया। राहुल गांधी की ट्वीट की तो इस बाढ़ में, इस दैविक आपदा में उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए और जो सेवा है वो परमो धर्म है। पहले उन्हें अपने गिरिबान में झांकना चाहिए कि आपके राजस्थान में एक जगह है और उस जगह के लोगों ने मिलके कांग्रेस को डूबते हुए बचाया है, कांग्रेस की सरकार बनवाई है, वहाँ सेना को कमान संभालना पड़ा है, वहाँ भी अपनी भी सरकार के खिलाफ तो ट्वीट करना चाहिए। रहा बात इस बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान में, मैं सरकार के कुछ अधिकारी हैं उसे जो है पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, सरकार को उसका ध्यान देना चाहिए कि ऐसा न हो। निषाद पार्टी 2022 में लगातार जो हम आप काम कर रहे हैं सरकार के हिस्सा बनेंगे, 2022 में बिना निषादों के सरकार नहीं बनने वाली, और सबसे पहला हम लोग सरकार के में भूमिका निभाएंगे। पहला कानून बनेगा कि जितने बंदे हैं, जिस तरीके से जापान 20 साल बाद आज़ाद हुआ और आज 20 गुना ज़्यादा विकास कर लिया और सारे बंदे उसके पक्के हैं, बाढ़ वहाँ भी आती है लेकिन कहर नहीं आती है, यहाँ बाढ़ आती है कहर बरसाती है, तो इस कहर से मुक्ति करने के लिए सभी बंदे पक्के किए जाएंगे। जिन्हें भी गांव है नदियों के किनारे उन्हें ऊंचाई करके जो बाढ़ की सबसे अधिकतम सीमा होती है उससे 2-4 फुट ऊपर सड़क के निर्माण किए जाए या पुल से बना दिए जाएंगे, जिससे बाढ़ आवे तो गांव के लोग गांव जो हैं उनको उस अधिकतम सीमा से ऊपर बसाया जाए। जिस तरीके से कांशीराम जो आवास योजना लोहिया आवास योजना में उन्होंने किया, हमारे सभी निषाद राज के वंशज नदियों के किनारे हैं, बिना भेदभाव के कोई भी जाति बिरादरी धर्म जो नदियों के किनारे है उसको हम लोग निषाद राज आवास योजना बनाकर पक्का मकान बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि जो बंधे के किनारे जो सरकारी जमीन है उस पर पहले हम दुकान बनाएंगे नीचे, उन्हें साधन संसाधन रोजगार के देंगे, साल भर कमाएंगे, फिर ऊपर मकान बनाएंगे, एक उनके लिए विकसित कॉलोनी डेवलप होगी, हर एक क्षेत्रों में लड़कियों